إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد सल वसलम उशरम महदसात वक़ुल महदी बिदा वक़ुल बिदायती वल वक़ुल फिनार तबारक वक़्रब ज़िद्न काबिल इतराम और बहनों तहफतुलसा के दुरुस् का यह सिलसिला जारी है और हदीस नंबर तीस का आज हम मुताला करेंगे जिसमें निकाह, तलाक़ और ख़ुला से मुतल एक बहुत अहम हुक्म मौजूद है ज़िंदगी के मामलत ज़िंदगी के मसाइल बदलते रहते हैं अल्लाह रबुलमी ने मर्द और, और, और औरत के लिए निकाह का हुक्म दिया है और उन्हें निकाह के एक मुक़द्दस रिश्ते में बांधा है आदमी सलाम को भी अल्लाह ताला ने जब पैदा किया तो उनके साथ उनकी उनत के लिए साथ रहने के लिए उनको बीवी अता की उनको एक जोड़ा दिया और फिर उसके बाद से इंसानियत का हमेशा से मामूल रहा है कि लोग इस दिवाजी ज़िंदगी गुजारते रहे निकाह का ये बंधन सिर्फ़ ख़्वाहिशात के पूरा करने के लिए नहीं है बल्कि ये इंसानी नस्ल की हिफाजत का एक ज़रिया है और इसी के साथ साथ आपस में महब्बत का सलूक करते हुए एक घर को अल्लाह की रहमतों का ज़रिया बनाने का भी एक सबब और वसीला है ख़ुशहाल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि इस दिवाजी ज़िंदगी को बरकरार रखा जाए इसलिए कि निकाह के बाद कई ख़ानदान इस रिश्ते में जुड़ जाते हैं बंद जाते हैं और कई अफ़राद की ज़िंदगी इससे मुतालिक हो जाती है इससे जुड़ जाती है इससे मुतासर होती है खसूस औलाद का मामला है निकाह के बाद बीवी शौहर की महब्बत के नतीजे में औलाद जन्म लेती है जो घर के लिए ख़ुशियों का ज़रिया बनती है और अपने साथ एक ज़िम्मेदारी भी लाती है माँ बाप दोनों मिलकर कर औलाद के खाने पीने का निज़ाम इब्तदाई मरहले में करते हैं उसे बीमारी से बचाते हैं उसके लिबास का इंतज़ाम करते हैं माँ बच्चे को अपने साथ अपनी गोद में लेकर अपने सीने से लगाती है फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है उसकी तालीम और तरबियत और उसके मुस्तबल के अतबार से दोनों मिलकर ख्वाब देखते हैं और फिर कोशिश करके इस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करते हैं निकाह एक बहुत ही शान अमल है यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों को भी निकाह के इस बंधन में बांधा। जितने भी नबी आए वो निकाह वाली ज़िंदगी गुजारते थे लेकिन कभी ऐसा होता है कि निकाह का जो जोड़ा होता है दोनों का मिजाज आपस में मिलता नहीं शोहर की बात बीवी को पसंद नहीं आती और बीवी का मिजाज और उसकी कमियाँ कोताहियाँ शोहर को बुरी लगती हैं यहाँ से दोनों के दरमियान दरार शुरू होती है दोनों में इख्तलाफा बढ़ते हैं पसंद नापसंद की वजह से दोनों के फैसलों के अलग होने की वजह से दोनों की कोताहियों की वजह से दोनों के मिजाज के फ़र्क की वजह से आपस में इनमें अख्तलाफात एक के बाद एक बढ़ते चले जाते हैं और नाराज़गियाँ क़वत पकड़ लेती हैं ऐसी सूरत में अगर दोनों में सब्र सबात का मिजाज हो तो दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं छोटी मोटी गलतियाँ छोटी मोटी कोताहियाँ अगर बर्दाश्त न की जाए, कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रह सकता है न माँ बाप और औलाद का न बीवी शौहर का न भाई बहन का न दोस्त दोस्त का ज़िंदगी चलती है गुज़रती है खुशगवार होती है आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करने से अगर ये बर्दाश्त ज़िंदगी से निकल जाए अगर एक दूसरे को एडजस्ट न किया जाए उसके साथ ज़िंदगी को एडजस्ट न किया जाए और एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज न किया जाए तो यही मामला बहुत दूर तक निकल जाता है कभी तलाक तक और कभी खुला तक ये पहुँच जाता है ये बात अपनी जगह मुसलम है कि कभी बीवी के अखलाक़ बुरे होते हैं या कोई और मसला होता है जिसकी वजह से शोहर के लिए इसकी गुंजाइश रखी गई है कि उसको तलाक देकर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करें कभी शोहर के अखलाक बुरे होते हैं या शोहर ालिम होता है मर्द होने के अतबार से उमूमन जुल्म की इब्तदा मर्द से होती है शोहर से होती है कभी वो जालिम होता है और औरत की जान का उसकी इज़्ज़त का ख़तरा लाइक हो जाता है वो उसके साथ जी नहीं सकती है इसलिए कि उसकी ज़िंदगी भयानक मोड़ पर आ जाती है ऐसे वक्त में औरत के लिए भी इस्लाम में गुंजाइश रखी है अल्लाह ताला ने कि वो खुला के ज़रिए से अपने शोहर से अलग हो जाए लेकिन ये जो हल है ये आखिरी हल है ये आखिरी मजबूरी कि जब इस की सारी सूरतें ख़त्म हो जाएं, आपस में निभाओ की कोई गुंजाइश ही बाकी न रहे दोनों साथ में जी ही नहीं सकते अगर ऐसी हालत हो तब तो ये ठीक लेकिन अगर ऐसी हालत नहीं है बल्कि छोटी मोटी बातें हैं बस मिजाज का फ़र्क है पसंद नापसंद का फ़र्क़ है छोटी मोटी कोताहियाँ कमियाँ हैं देखने में या बोलने में या रहन सहन के तबार से या कभी माशी तबार से मर्द कमज़ोर हैं या कभी खूबसूरती के एतबार से औरत कम है ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की बिना पर शोहर का बीवी को तलाक़ देना या बीवी का शोहर से खुला तलब करना इस्लाम में इसको पसंद नहीं किया गया है क्यों इसलिए कि इससे समाज ख़राब होता है समाज बिगड़ता है औरत की अपनी ज़िंदगी ख़राब होती है शोहर की अपनी ज़िंदगी ख़राब होती है और दोनों के दरमियान औलाद भी मुसीबत उठाती है बल्कि इसके साथ साथ और जो लोग जुड़े होते हैं माँ बाप भाई बहन सभी के रिश्तेदार दोनों तरफ के रिश्तेदार इससे मुतासिर होते हैं तो छोटी मोटी बातों पर मामूली चीज़ों पर इख्तलाफ को तूल देकर आपस में निकाह का बंधन तोड़ने के मरहले तक पहुँचना ये इस्लाम में पसंदीदा चीज़ नहीं है जहाँ तक हो सके औरत को चाहिए कि एडजस्ट करें जहाँ तक हो सके मर्द को चाहिए कि वो निभाओ की सूरतें अपनाता रहे और एडजस्ट करता रहे ख़ास करके औरत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में सख्ती से ताक़द की है निकाह और तलाक़ के मामले में तलाक और खुला का जब मामला आता है तो इसमें ज़्यादा नुक़सान उठाने वाली औरत ही होती है खूस हमारे अपने समाज में ख़ानदानी ढांचा ऐसा है कि अगर औरत का तलाक हो जाता है या खुला हो जाता है तो समाज में उसको बुरी निगाह से देखा जाता है यहीं से औरत की मुसीबतें शुरू होती हैं फिर इसके बाद बादशी एतबार से फाइनेंशियल लेवल पर वो मोहताज होकर रह जाती है फिर इसी तरह से लोगों से मिलने जुलने के एतबार से हमेशा वो एक कस्म के डिप्रेशन में और एक कस्म के इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स में मुबला हो जाती है वो अपने आप को कमतर समझने लगती है उसके जहन में गैर शौरी तौर पर ये बात बैठ जाती है कि ये कोई मुजरिम है इसने कोई गलत काम किया है और अक्सर घर वाले अपना दामन छुड़ा लेते हैं कि हम नहीं संभाल सकते हैं लिहाजा बहुत सारी बच्चियां शोहर जालिम होने के बावजूद बदकार जिनाकार होने के बावजूद शराबी जुआरी होने के बावजूद अपनी बच्ची को यही तलकीन करते रहते हैं कि बेटा निभाओ करो उसके साथ जीते रहो एक तरफ समाज का डर होता है कि अगर हमारी बच्ची का तलाक और खुला हो गया समाज क्या कहेगा हमारी इज्ज़त जाएगी दूसरी तरफ ख़र्चे का डर भी होता है अगर इसका खुला और तलाक हो गया तो हम लोग इसका ख़र्च नहीं उठा पाएंगे हम लोग ही मुश्किल से जी पा रहे हैं इसका खर्च कैसे उठाएंगे? इसका और इसके बच्चों का खर्च कैसे उठाएंगे? तो अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बाकी रखने के लिए अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बच्ची की कुर्बानी दे देते हैं जैसे चाहो जीती रहो बाज़ बच्चियाँ जी लेती हैं और दिमागी मरीज़ बन जाती हैं सेहत बर्बाद हो जाती है बाज़ बच्चियाँ मजबूर होकर ख़ुदकुशी कर लेती हैं कुछ बच्चियाँ और ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं और बेहयाई के रास्ते पर निकल जाती हैं शोहर से मोहब्बत न मिलने की वजह से शोहर के साथ ताल्लुक सही नहीं होने की वजह से मीडिया के सोशल मीडिया के इस दौर में वो कहीं और से हमदर्दी हासिल करने का रास्ता तलाश कर लेती हैं ऐसी बच्चियाँ अगरचे कम होती हैं लेकिन शैतान उन्हें इस रास्ते पर डाल देता है समाज की वजह से ज़िंदँ बर्बाद होती हैं इस्लाम में दोनों चीज़ें हैं इस्लाम में तलाक़ और ख़ुला को पसंद नहीं किया गया है ये नहीं होना चाहिए आपस में निकाह के ताल्लुक को रिश्ते को बाकी रखो एक दूसरे के साथ बर्दाश्त करते रहो एडजस्ट करते रहो इसी की तलकीन की गई है लेकिन अगर मामला बहुत शदीद हो जाए और कोई और रास्ता ना रहे तो अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा कि शोहर उसी तरह से बर्दाश्त करता रहे अपनी बीवी को जबकि वो बदकार हो बद अखलाक़ हो बेहयाई की आखिरी हदें पार कर चुकी हो तब भी वो एडजस्ट करता रहे बीवी के साथ में या इसी तरह से औरत भी जुल्म पर जुल्म सहती जाए और जिस्मानी एतबार से जहनी एतबार से बिल्कुल बेकार होकर रह जाए नाकारा होकर रह जाए लेकिन फिर भी अपने शोर के साथ चिमटी रहे ये तल्क़ी इस्लाम में नहीं है ऐसी सूरत में एकदम मजबूरी असलाह की कोशिशें मुसालहत की कोशिशें और बेहतरी के रास्ते सब कुछ अपनाने के बाद भी अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तब जाकर इस बात की गुंजाइश है कि मर्द औरत को तलाक़ दे या औरत शोर से अपने खुला ले लें ये दोनों सूरतें इस्लाम में बाकी रखी गई हैं जायज़ हैं हराम नहीं है लेकिन पसंदीदा नहीं है पसंदीदा नहीं है बल्कि बिला उज़र तलाक़ तलब करना या खुला मांगना ये भी अच्छा नहीं है ये भी बहुत सख्त बात है आज इसी बारे में हम कुछ बातें देखेंगे मौजूदा दौर में आम तौर से बच्चियां पढ़ी लिखी होने की वजह से और फाइनेंशियल फाइनेंशियली स्टेबल होने की वजह से कि खुद भी कमाती है बच्ची तो आज खुला का मामला बहुत आसान हो गया है और इसका रेशो बढ़ता जा रहा है ज़रा ज़रा सी बात शोहर शाम में लेट आया बात से बात बढ़ी नाराज़गियाँ बढ़ी बस बहुत दिन से देख रही हूँ अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती मुझे खुला चाहिए खुला कोई खिलौना नहीं है कि जब चाहे उसको तलब कर लिया और उसके साथ खेल लिए खुला ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम फ़ैसला है और बहुत ही संगीन फैसला है जिसके बहुत सारे नतज होते हैं जो पसंदीदा नहीं होते हैं खसूसा छोटी बातों पर इसका मुतालबा करना तो हदीस में इसके बारे में क्या है आज आप देखें ये जो चीज़ चल रही है कि माँ बाप बच्चियों को पढ़ाते हैं पढ़ाते वक्त भी उनकी नीयत क्या होती है अवला तो दीनी तालीम नहीं होती है दुनियावी तालीम देते हैं दीन बिल्कुल नहीं सिखाते हैं तो दिन नहीं होने की वजह से उनमें ज़रा भी एडजस्टमेंट का मामला नहीं होता है उनकी चाहतें ऊंची-ऊंची होती हैं उनकी पसंद बहुत आला होती है। निकाह होने के बाद में शोहर से उनका निभाव नहीं हो पाता उनकी डिमांड्स दुनिया एतबार से होती हैं एडजस्टमेंट ज़िंदगी में नहीं होता है फ़क्र फाक़े को बर्दाश्त नहीं कर पाती शोहर अगर बहुत ज़्यादा उनके हिसाब से हैंडसम नहीं है पाश नहीं है बहुत ज़्यादा आला ख़ानदान का नहीं है या समाज और सोसाइटी के अतबार से बहुत ज़्यादा पसंदीदा नहीं है अच्छे यानी लेवल का नहीं है तो फिर उनका निभाव नहीं हो पाता है ये कंपनी में जाती है जॉब करती है अच्छी पोस्ट पर है अब उसको शोहर अपनी जोड़ का दिखाई नहीं देता है शोहर किसी दुकान पे बिजनेस करता है कमाता है और ये ये आला तालीम याफ्ता है ये कंपनी में जॉब करती उससे ज़्यादा तनख्वाह इसकी है उसका ऊंच नीच होता रहता है इसका फिक्स है बराबर उसको तनख्वाहती रहती है निभाव नहीं हो पाता है माँ बाप पढ़ाते इसलिए हैं कि कल को अगर तलाक हो जाए तो बच्ची अपने पाँव पर खड़ी रहे गोया कि माँ बाप बच्ची के लिए तलाक हमवार करते हैं तलाक़ को और आसान करते हैं ज़िंदगी में बाज़ात डिपेंडेंसी भी एक अच्छी चीज़ होती है बुरी नहीं होती है अगर बच्चों को आप सारा पैसा उनका दे दें वो आप पर डिपेंडेंट ना रहें तो क्या आप ये बात पसंद करते हैं कि आपके बच्चे ख़ुद मुख्तार हो जाएं उनकी डिपेंडेंसी आप पर ना रहें फ़ैसले लेते वक्त में वो आपसे ना पूछें अपने दिल से कुछ भी करें इसलिए कि आपकी ज़रूरत भी उनको नहीं है बच्चों की औलाद की कमाने तक की उम्र की डिपेंडेंसी जो मा, माँ बाप पर होती है खर्च के लिए या ज़िंदगी के बड़े फ़ैसलों के लिए ये बच्चों को बुराई से बचाए रखती है माँ बाप से जोड़े रखती है इसी तरह से बीवी की डिपेंडेंसी अपने शोहर पर ये भी घर के मिजाज को घर के माहौल को बेहतर बनाए रखती है क्यों घर में कोई ना कोई बड़ा होना चाहिए लेकिन दोनों जब इक्वल्स हो जाते हैं तो क्लाशेस शुरू हो जाते हैं दोनों का तनाव शुरू हो जाता है भाई जब मैं खुद कमाती हूँ और सब मेरे पास है पैसा है मेरे पास मैं क्यों सुनूँ बल्कि माँ बाप भी बच्ची का मिजाज शुरू से ऐसा बना देते हैं कि बेटा एडजस्ट नहीं करना पहले से लगाम पकड़े रखना हाँ झुकना नहीं और कुछ भी हो जाए रात में दो तीन बजे भी हो फ़ोन करना छोटे से मामले में इख्तलाफ हो गया फ़ौर माँ बाप को बता दिया फिर माँ बाप दखलंदाजी करने लगते हैं ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ एक काम कर तो ऐसा कर तो वहाँ से उसके लिए बताया जाता है कि गाइडेंस उसको मिलने लगता है और ज़िंदगी बिखरती जाती है चौहर देख लेता है अच्छा यहाँ से इसको पूरा जंग की पूरी स्ट्रेटजी बताई जा रही है वो भी मोबाइल चेक करता है सोई हुई है इस खर्राटे ले रही है लेकिन वो देख रहा है इसका मोबाइल अंगूठा लेके उसका चेक कर लेता है उसका सारा कि व्हाट्सएप पे माँ बाप से क्या चल रहा है इसका क्या खिचड़ी पक रही है उसके दिल में बीवी की नफरत बैठ जाती है कि अच्छा ये मेरे पीछे अपने माँ बाप को सब बताती है मेरी शिकायतें करती है उसकी बहनें बराबर उसको बता रही हैं सब कुछ ऐसा करना वैसा करना हम लोग हैं तेरे साथ में पीछे मत हटना गर्दन पर पा, हमेशा पाँव रखना उसकी इस तरह से होने से उसके दिल में इसकी नफरत बैठ जाती तनाव और बढ़ता चला जाता है अक्सर जिंदगी में होता ही है कि शुरुआत में सुबह सुबह झगड़ा हुआ लेकिन दोपहर में वो भी दुकान पे बैठ के सोच रहा होता अच्छी बीवी है कभी कभी ऐसा गलती करती है मैं क्यों डांटता हूँ उसको ये भी अगर तन्हा हो घर पे सोचती है मेरा शोहर अच्छा है सब कुछ करता है कभी कभी उसका दिमाग ख़राब हो जाता है तो कुछ बोल देता है एडजस्ट कर लेना चाहिए जब दखल नहीं होती है तो एक दूसरे के साथ इस तरह से एडजस्टमेंट होता रहता है माँ बाप औलाद का भी होता है भाई भाई का होता है दोस्त दोस्त का होता है बीवी शौहर का होता है लेकिन जब इस ताल्लुक़ में इस रिश्ते में और लोगों की दखल अंदाजी होती है और हर छोटी बड़ी चीज़ शेयर होने लगती है और हर छोटी बड़ी चीज़ में लोग यहाँ से और वहाँ से उसको जंग सिखाने लगते हैं तो ये जंग बड़ी बन जाती है ये वर्ल्ड वॉर हो जाता है ये दोनों का छोटा सा इख्तलाफ़ दो घरानों की जंग हो जाता है बाजात फिर ऐसा होता है कि बीवी की तरफ से लड़ने वालों की वजह से बीवी पीछे नहीं हट सकती है। शोहर का साथ देने वालों की वजह से अब वो अपने डिसीजन पे यू टर्न नहीं ले सकता क्यों अरे इतने सारे लोग हैं वो मेरे साथ अब तक रहे अब मैं कैसे सोचूं उल्टा सब लोग क्या बोलेंगे इतना तेरा साथ दिया हमने और अब तो पीछे मत हट तो पीछे हट गया हमारी इज्जत खराब कर दी तूने कभी बीवी कभी शोहर और बाज़ अवकात मुसालहत की सूरत होने के बावजूद भी ये सूरत और बिगड़ जाती है बाज़ अवकात बीवी शोहर का झगड़ा छोटा होता है लेकिन ख़ानदानों का झगड़ा आपस का बड़ा हो जाता है बल्कि बाज़ अवकात तो ये भी होता है कि सब लड़ाई झगड़ा चलता रहता है ख़ानदानों में और बीवी शोहर आपस में एक दूसरे से चैटिंग भी करते रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बोलते हैं क्या करूं अब देखो इतना मसला बड़ा हो गया है चाहती तो हूँ आपसे बात करूँ और अपने फ़ैसले को चेंज करूँ लेकिन क्या करूँ वाली साहब वालदा और भाई और बहन और इन सब की वजह से अब मैं फंस के रह गई उसमें मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब मैं पीछे लूँगी मामला तो इन सब को चोट पहुँचेगी और फिर मजबूरन जा के क्या करना पड़ता है फिर दोनों की जुदाई होती है खुला की सूरत में या तलाक़ की सूरत में ये बहुत बड़ा अलमिया इस दौर का है कि छोटे मसाइल को बेवजह तूल देकर उनको बड़ा बनाया जाए और फिर सारे ख़ानदान बिला वजह उसमें कूद पड़ें हमदर्दी के नाम पर साथ देने के नाम पर बेवजह उस छोटी सी दरार को बड़ी करते हैं थोड़ा सा फटा हुआ है कपड़ा उसको और खींच तान के फाड़ दें ज़्यादा कि पहनने लायक भी ना रहे निकाह के रिश्ते को ऐसे उसके अंदर खलल पैदा कर दिया जाए कि वो तलाक़ और खुला में तब्दील हो जाए समझदारी ये है कि बीवी शौहर अपने मसले को ख़ुद हल करें। इल्ला ये कि वो इतना संगीन हो जाए कि अब सूरत गुंजाइश नहीं है अब कोई सूरत नहीं है एडजस्टमेंट की ऐसा भी हो सकता है दोनों चीज़ें याद रखने की है ना तो इतना हल्के हल्के छोटे छोटे मसाइल की वजह से एकदम जंग की नौबत आ जाए खुला और तलाक़ की बातें होने लगें ज़रा ज़रा सी बात पर शहर धमकी देने लगें देखो अगर चाय में शकर कम रही तलाक दे दूँगा इसके बाद अगर ऐसा हुआ तलाक दे दूँगा फलां से बात की रिश्तेदार से तलाक़ दे दूँगा बाज़ात ये खेल बनकर रह जाता है और भी, भी ज़रा ज़रा सी बात पर शोहर लेट आ जाए या उसकी पसंद के कपड़े न लाए उसकी घड़ी उसको ना मिले या फुना चीज़ ना मिले फ़ौर कहने लगे मुझे खुला चाहिए बस मैं तंग आ गई ये मामला नहीं होना चाहिए एडजस्टमेंट ज़िंदगी का बहुत बड़ा असूल है इसी से सारे रिश्ते आपस में बाकी रहते हैं बंधन बरकरार रहते हैं इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने बेवजह तलाक बिला किसी मजबूरी के कि तलाक़ लेने को बहुत सख्त करार दिया है सौबान रदी अल्लाह तु कहते हैं कल रसूल सल सल्मा अयुमरा कलाकन फ़ी गई रमा बसिन वराम अलह रातुलजन्ना इमाम अहमद अबू दाऊद इब्न माजा तिरमिदी इबन हिब्बान और हाकििम ने इसको रिवायत किया है सैद जाम श़ी हदीस नंबर 2706. अल्लाह के रसूल वसल्लम फरमाते हैं जो भी औरत अपने शौहर से बगैर किसी बस के बगैर किसी मजबूरी के तलाक अगर मांगती हैं तो उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है जन्नत में जाना तो दूर जन्नत की खुशबू भी उसको नसीब नहीं होगी इस हदीस से बात मालूम होता है मिनफी गई रिमा बसिन यानी अगर कोई वाक़ी हर्ज उसकी ज़िंदगी में नहीं हो रहा है बहुत सख्त बड़ा मसला नहीं है तो औरत को शोर से तलाक नहीं मांगना चाहिए वाकई अगर कोई बड़ा मसला है ज़िंदगी के तबार से दुनियावी तबार से या दीनी तबार से तब जाकर वो अपने शोर से जुदाई का मुतालबा कर सकती है नहीं तो बिला वजह अगर वो छोटी मोटी बात पर अगर तलाक और खुला मांगे तो ऐसी औरत के लिए वहीद ये है कि ऐसी औरत जन्नत में जाना तो दूर जन्नत की खुशबू भी उसको नसीब नहीं होगी इस ताल्लुक़ से मज़ीद और अहदीस भी हैं आज हम इसी मसले पर गौर करेंगे कि खुला का मसला क्या है और इसकी दलीलें क्या हैं इसकी शरी हैसी क्या है और मौजूदा दौर में ये जो बला बढ़ती जा रही है तो इस तालुक से हमको क्या मौक़ रखना चाहिए अल्लाह के रसूल वसल्लम फ़रमाते हैं अलमुखलेत हुन हनमुनाफ़िक खुला मांगने वाली औरतें यानी पिछले हदीस में जैसे हमने देखा बिला उज़्र बग़ैर किसी मजबूरी के खुला तलब करने वाली औरतें मुनाफिकात हैं मुनाफिकत हैं इमामिरमिदीन ने इसको रिवायत किया है सैल जाम सगीर हदीस नंबर छः हज़ार छः सौ इक्यासी हदीस सही है इबन असी रम फ़रमाते हैं यानि अल्लाबन या अलखलावला का मिन अजवा जिन अब उदरन यानी वो औरतें जो बग़ैर उज्र ही के बग़ैर किसी मजबूरी के बग़ैर किसी सख्त वजह के अपने शौर से खुला या तलाक़ तलब करें अनिहाय गरीबीफ़ीर में ये बात इमाम इब्ने असीर ने कही है इसी तरह से शेख अल अलयूबी कहते हैं फी ही तहरीम अलमरतमिन गई दरूरा दुकबा में ये बात जो सुन अनसाई की शर है उसमें उन्होंने ये बात कही इस हदीस के ज़िमन में कहते हैं कि इस हदीस में इस बात की दलील है कि बग़ैर मजबूरी के खुला तलब करना हराम है इसलिए कि मुनाफिकात उनको कहना इसमें ईमान की नफी है और ईमान की नफी किसी मामूली बात पर नहीं की जाती है हराम के इरतक पर यह वाजि वाजिब के तर्क पर की जाती है तो यहाँ मालूम हुआ यह मुनाफिकत हैं किस एतबार से, से? आइए वो भी देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल आत हो वलमुत आत होन मुनाफिक इमाम अहमद और नसई ने इसको रिवायत किया है सुनन अनसाई हदीस नंबर तीन हज़ार चार सौ इकसठ हदीस सही है अलमतजयात शेख अत्यूबी कहते हैं अलमनतज़यात अलती तनज़ उनफसहा मिन यदीहा जो अपने आप को या अपने हाथ को अपने शोहर के हाथ से निकाल ले यानी अपने आप को शोहर की मातहती से बाहर कर लें बीमा तदफ़ लहू मिनल व कौल ही अलमुखलयात यानि एवज देकर खुला लेते हुए अपने आप को शोहर से आज़ाद करा ले ऐसी औरत कहा कि ये ऐसी औरत मुनाफिकात में से है मुनाफिकात में से क्यों है मुलाली कहते हैं हन्नमुनाफ़िकत असियात बा़िन वलमुयात वाहरान अंदर से वो नाफरमान हैं गुनाहगार हैं बाहर से वो फरमाबरदार हैं यानी वो शरीयत पर अमल कर रही हैं खुला लेकर लेकिन बिला उज़र खुला लेने की वजह से वो गुनहगार हैं तो अंदर से तो हकीकतन गुनाहगार हैं लेकिन फॉर्म यानी जो तरीक़ा है फॉर्मेलिटी कौन सी पूरी कर रही हैं शरीयत की खुला लेने का फॉर्मेलिटी उसकी पूरी कर रही हैं लेकिन वो क्या हैं नाफरमान हैं ज़ाहिरन फरमाबरदार हैं लेकिन बातिन नाफरमान है मरक़ात में ये बात मिला अलकारी ने कही है तो ये जो बात है इससे एक बात ये मालूम हुई कि दो हालतें हैं एक मजबूरी की हालत एक आम हालात आम हालात में खुला तलब करना हराम है बिला उज़र के बिला मजबूरी के खुला तलब करना हराम है इसी तरह से अगर मजबूरी के हालात हों मसला शोहर शराबी है और एकदम आखिरी हद तक पहुंच चुका है ड्रग एडिक्ट है। पहले मालूम नहीं था अब मालूम पड़ा या शोहर जिनाकार है, या उसको ऐसी बीमारी है एड्स है या कुछ और मसला उसका है अब मालूम पड़ गया पहले मालूम नहीं था बच्ची की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी अगर ऐसी सूरत है तो फिर उससे खुला लिया जा सकता है ये नहीं कि उसके साथ छोड़ दें कि वो मर रहा है सड़ तो तू भी उसके साथ मर जा ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि अगर वाकई वो बदकार है बदखलाक है और बेदीन है और ऐसा इंसान है कि जिससे इसकी जान को और इज़्ज़त को ख़तरा है खूब मारता पीटता इतना मारता पीटता है कि दवाखाने में पहुंचा देता है कभी हथौड़े से किसी डंडे से किसी लाठी से कभी किसी और चीज़ से जो हाथ में आ जाए चाकू भी उठा लेता है ऐसी सूरत में अपनी बच्ची को उसी के हाथ में रखना उसकी जान को ख़तरे में रखना है या तो पिटाई करके उसको सही किया जाए या फिर ये है कि उससे अपनी बच्ची को आज़ाद करा लिया जाए ऐसी मजबूरी के हालात में छोटी मोटी झगड़े छोटे मोटे इख्त पर तो नहीं लेकिन एक आदि हो जाए एक इंसान इस तरह का तो फिर अब उनको इख्तियार है लड़की को इख्तियार है कि वो कहे मुझको खुला चाहिए मैं नहीं रह सकती इसके साथ में लेकिन अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है तो ऐसी सूरत में खुला मांगना ये मुनाफिकत वाला अमल है कि वो शरीयत की पाबंदी तो कर रही हैं खुला लेने में लेकिन वो बिला उज़र करने की वजह से अल्लाह की नाफ़रमान है ये दोनों पहलू याद रखना चाहिए बाज़ अवत लोग इस तरफ चले जाते हैं नहीं नहीं खुला की बात नहीं करना बिल्कुल इस तरह से और बाद चाहे वो कितनी भी मुसीबत में हो बच्ची और कभी ऐसा होता है कि ज़रा ज़रा सी बात पर खुला की बातें होने लगती है तो लाड़ प्यार में पली हुई बच्ची है ज़रा सा उसको ये भी नहीं चलता वो भी नहीं चलता घर के काम काज नहीं कर सकती और शोहर कह रहा है उसको खाना बना के दो नहीं दे सकती मैं और थोड़ा शांत बन हो गई कहाँ मैं नहीं रह सकती इस घर में मैं जा रही हूँ मैके और यहाँ के डैडी और पप्पा उसको बोल रहे हैं कि बेटा तू नहीं तुझको खुला दिला देंगे हम तेरी तकलीफ़ हम नहीं देख सकते वो बच्ची फिर कहीं भी नहीं जाएगी कहीं नहीं जा सकती वो शोहर की खिदमत करना शोहर के हुक्म को पूरा करना इसी से घर बना रहता है बना रहता है अगर वो बिल्कुल ही कुछ ना करें तो फिर घर में दरार पैदा होगी, ताल्लुक़ ख़राब होंगे रिश्ता टूटेगा तो ज़रा ज़रा सी बात पर खुला का मामला जो आज चल रहा है मीडिया के असर से या दुनिया का चलन ही ऐसा हो गया है ये अच्छी बात नहीं है हाँ मजबूरी के हालात में इसकी गुंजाइश है क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुला हुआ हाँ हुआ अब्दुल्लाबन अब्बास रद्ला तमा कहते हैं अन इमरताबितबन कई सिन आत नबी सल्हल अब यह दलील हमको बताती है कि पिछली हदीस में जो खुला की बात आई है कि मुनाफिकात हैं ये तो क्या वाकई हर हाल में हराम है नहीं अल्लाह अगर ये मुस्तिल हराम होता तो अल्लाह के नबी पर राज़ी नहीं होते बाजबूरियों में ये जायज़ है कहते हैं किन् तसाबित नबी सल्ह साब, साबित इबन कैस रजी अल्लाह तैना की रज़ी अल्लाह तैाल की बीवी अल्ला के नबी सल्ह स पास आई वक़ालतिया रसूल अल्लाबनक़ैसिन माँ आतिबी खुल्क़िन वीन वालाकिन अक राहुलफ़ रफीम का अल्लाह के रसूल सब अब्न ख़ैस के दीन के अख्लाक और उनके दीन के बारे में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती मैं कुछ भी उनके बारे में इताब नहीं करती है। मैं अपनी तरफ से कुछ बोलना नहीं चाहती उस पर माँ आहतिब आयी खुल़ीन वाला दी इनके अखलाक ये बदकिरदार हैं या ये बेदीन है अकायद ख़राब हैं या कुछ और बिगाड़ नहीं ऐसा नहीं है एक रिवायत में है आगे आएगी वो रिवायत वो क्यों इनका खुला हुआ कहती हैं कि वला किन अक इस्लाम लेकिन इस्लाम में आने के बाद मैं कुफ़र का इरतक करूं और कुफ़र तक चली जाऊं या अल्लाह की नाशुकरी में मुब्तला हो जाऊं मैं नहीं चाहती मैं अपने दीन को ख़राब नहीं करना चाहती लाखिन ने अकरकुफ़ राफी इस्लाम मुसलमान हो के भी मैं कुफ़र में मुब्तला हो जाऊं मैं नहीं चाहती फ़काल रसूल अल्ला अतरुद्दीन अलह हदीक़त इनका जो बाग तुमने लिया था महर में क्या तुम वो बाग उनको लौटा दोगी नाम कहा हाँ खाला रसूल अल्लाह सम इकबल اقبل व तल्लक ततलीका الله के रसूल सल्लाम हज़रतिन कैस जो शोहर थे उनसे कहा तुम्हारा बाग वापस ले लो इनसे कबूल कर लो और इनको तलाक़ दे दो इनको छोड़ दो यहाँ ततलीक व तलिका ततलीका का मतलब है कि इनको आज़ाद कर दो क्योंकि तल़ा का मतलब अरबी ज़ुबान में होता है छोड़ देना अतलका छोड़ देना तो बीवी को छोड़ दो और इनका बाग ले लो इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है किताब तलाक हदीस नंबर पाँच हज़ार दो सौ तिहत्तर एक और रिवायत में है फरमाते हैं कि फ़ अमरहू रसूल अल्लाम आ यः खुद मिनह हदी क़़ा वला यजदाद अल्लाह के रसूल सल असम ने उन्हें हुक्म दिया कि वह अपना बाग अपनी बीवी से वापस ले लें जो मेहर में दिया था वला यजदाद और इससे ज़्यादा न मांगे इससे ज़्यादा न मांगे इस, इस हदीस को इमाम इब्न माजा ने रिवायत किया है हदीस नंबर दो हज़ार छप्पन हदीस सही है। इसे मालूम होता है कि खुला में शौहर अपने महर से ज़्यादा का मुतालबा नहीं कर सकता है जितना महर उसने दिया था उतना महर वापस लेगा बस और खुला होगा एक और रिवायत में है कल फिनी असद तो हा हदी क़तिन वमा बेदीहा एक रिवायत में कि साबित इबन कैस साबित कैस ने कहा कि मैंने दो बाग इनको दिए थे और दोनों उनके पास हैं फ़ालन नबील वम ख़ुद हमा व फ़ारक हा दोनों बाघ अपने वापस ले लो और अपनी बीवी को छोड़ दो तो यहाँ पर तलीक़ तल्लिक हा ततलीन जो है उससे मुराद क्या है फ़ारक़ हा इससे मुफ़ारकत इख्तियार कर लो फला तो शोहर ने ऐसा ही किया इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है हदीस नंबर दो हज़ार दो सौ अट्ठाईस और हदीस सही है इन तीनों रिवायतों से बात मालूम होती है कि बीवी अपने शोहर के साथ कोशिश करके भी अब रहने की गुंजाइश नहीं थी और बीवी की दीनदारी में बिगाड़ पैदा हो रहा था तो बीवी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगी बस मेरा हाल ये है कि मुझे कुफर में नहीं जाना है तो अब मैं खुला चाहती हूँ आपने उनको बुलाया शौहर को कहा कि और इनसे कहा कि इनका बाग वापस दोगी उन्होंने कहा कि मेरे दो बाग इनके पास हैं यानी आपने पूछा होगा कि महर में क्या था तो कहा कि दो बाग हैं जो इनके पास हैं और आपने फिर बीवी से कहा कि इनके बाग वापस लौटा दो और इनसे कहा कि बाग कबूल कर लो और उन्हें छोड़ दो हाँ इससे ज़्यादा नहीं ले सकते जितना महर में दिया था उससे ज़्यादा नहीं लेना शोहर ने बात सुनी और खुला दे दिया तो ये सारी रिवायत बताती हैं कि इस्लाम में पहला खुला था जो इस तरह से हुआ कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुला के बारे में जिक्र किया है खुला का मसला तलाक़ के ज़मन में कुरान करीम में भी आया है बकरा में आयत नंबर दो सौ उनतीस और दो सौ तीस इन दो आयतों में अल्लाह ताला ने इस मसले को जिक्र किया है अल्लाह ताली है अब तलाक मर्रतान तलाक़ दो मरतबा है तलाक़ दो मरतबा है फमसा कम भी मरूफिन और तस्री हम एहसान फिर दो तलाक देने के बाद या तो अपनी बीवी को रोक रखने की गुंजाइश है निकाह में या अव तस्री हम भी एहसान या फिर बीवी को एहसान के साथ भले तरीके से रुखसत कर देना है यानी दो तलाक़ दे दी और उसके बाद में या तो रुजू कर लिया और बीवी को अपने निकाह में रोके रखा क्योंकि दो तलाक के बाद भी गुंजाइश रहती है कि दोनों वापस से रजू करके निकाह वाली ज़िंदगी गुजार लें लेकिन अगर उसके बाद रजू नहीं किया तो इद्दत ख़त्म होने के बाद में तीसरा तलाक वाक़ हो जाएगा और दोनों जुदा हो जाएंगे और तस्वीर बहसान वालाहलकुम अंत खुद आतई तुमो हन्न शई अन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी हलाल नहीं है मर्दों के लिए कि जो महर तुमने उनको दिया था उसमें से तुम कुछ लो महर देने के बाद में शोहर को गुंजाइश नहीं कि वो उससे उसका महर ले वापस मेरा जो महर था वापस दे दो ख़ाफा अल्लाकी हदूदल्ला हाँ मगर ऐसी नौबत आ जाए कि दोनों अल्लाह की हदों को कायम न रख पाएँ यानी निकाह में जो हदें अल्लाह की हैं इस इजवाज़ी ज़िंदगी में जो हदें अल्लाह की क़ायम करदा हैं या इसी तरह से दीनी हदूद हैं दोनों का निकाह दोनों को बेदीन बनाता चला जा रहा है अल्लाह यम अल्लाह युकीमा इन अल्लाह, तुम अल्लामा हदूदल्ला जुना हाल ही माँ फ़ीम फ़ी मब तदत कहा कि अगर दोनों को इस बात का खौफ लाइक हो जाए कि दोनों भी अल्लाह के दिन पर नहीं रह पाएंगे बाकी नहीं रह पाएंगे अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख पाएंगे गुनागार में गुनाहों में मुबला हो जाएंगे फ़ला आलई ही माँ तो उनके लिए कोई हरज नहीं है दोनों पर कोई गुनाह नहीं है फ़ी मफद फी मुफ्त भी कित फदिया देकर अपने को आज़ाद करा ली यहाँ पर ये यह नहीं कहा गया कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो खुला कर लें याद रखें इसको ये नहीं कहा गया कि अब तो खुला करना ही करना है बल्कि ये गुंजाइश रखी गई अगर वह औरत निकाह में बाकी रह के उसको बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करती है या शौहर बीवी पर इस्लाही अमल करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता है तो अब भी इसकी गुंजाइश बाक़ी है लेकिन अगर ऐसा खौफ हो कि नहीं हो सकता आप कुछ दोनों का मामला बिल्कुल भी मुख्तलिफ है और निबाह नहीं हो सकता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फला जना ही माफ़ी मफ्तदत भी तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि औरत फिदिया देकर अपने आप को आज़ाद करा ले, यानी शोहर के लिए गुनाह नहीं कि वो अपना महर वापस लेकर खुला दे औरत के लिए कोई गुनाह नहीं कि वो महर लौटा कर निकाह से बाहर हो जाए खुला लेकर अलग हो जाए दोनों पर भी गुनाह नहीं है तिल का अल्लाह ही फ़ला तय तदूह ये अल्लाह की हदें हैं इन हदों को पार मत करो जो शरी बात अल्लाह ने ज़िक्र की है खौफ की हालत में ही होना चाहिए यानी दीनदारी के बिगाड़ की सूरत में या इसी तरह से ज़िंदगी बिल्कुल नहीं हो सकती साथ में निभा नहीं हो सकता है खौफ है नुकसान का या दीन का नुकसान या किसी और नुकसान का और नहीं हो सकता है मामला तो फिर उसके बाद में ही ये गुंजाइश निकलती है वरना नहीं तिलक हद्ला फ़ला तय तदूह ये अल्लाह की हदें हैं इन्हें पार मत करो वायद अल्ला फ़ उला का हम वालमुन और जो अल्लाह की हदों को पार कर जाएँ तो ऐसे ही लोगाल हैं ऐसे ही लोगाल हैं औरत बग़ैर उज़र के खुला तलब करें म का अरतिका करती है शौहर अगर खुला मांगने के बावजूद और वाकई उसके यानि बीवी के ज़रूरत होने के बावजूद उसको खुला नहीं देता है और बीवी को निकाह में बांधे रखता है और उसके साथ इस दिवाजी ज़िंदगी भी नहीं गुज़ारता है तो ये क्या है ये ालिम है बाज़ अवकात क्या होता है कि आदमी न खुला देता है ना बीवी के साथ बीवी वाला मामला रखता है मैं तो बस इसी तरह से लटका कर तुझको रखूँगा तो किसी और से भी निकाह नहीं कर पाएगी और मैं भी तुझसे शोर की तरह नहीं रहूँगा बस तुझे इसी तरह से हवा में टांग के रखूँगा बाज़ात इंतकाम लेने के लिए और जुल्म करते हुए शोर इस तरह से करता है अल्लाह की हदें हैं जो अल्लाह की हदों को पार कर जाए ऐसे लोग ज़ालिम हैं जो अल्लाह ने हल बताया है उसको ना अपनाएं अपने दिल से जो चाहे करें ये जालिम है फिर अल्लाह ने आगे बात और बढ़ाई क्योंकि शुरू में बात कहाँ थी अला तलाक़ दो मरतबा है फिर तीसरी मरतबा में या तो रोक के रखें रजू करके या फिर उसको विदा कर दे भले तरीके से बेज़त करके मारपीट करके इल्ज़ाम लगा के नहीं तस् हम भी एहसान जो कहा गया वो इस एतबार से है कि भले तरीके से अपनी बीवी को रवाना कर दो तलाक दे या तलाक नहीं देते हुए जो मुद्दत है वो ख़त्म हो जाए इद्दत ख़त्म हो जाए और जुदा हो जाएगी तलाक़ दिया नहीं लेकिन इद्दत ख़त्म हो गई और रुजू नहीं किया तो तलाक़ अपने आप वाकई हो गई इसने दी नहीं है इसने पिछली तलाक को ही बाकी रखा है बल्कि बाद सलफ़ कहते हैं कि तलाक़ का बेहतर तरीक़ा ये कि एक तलाक़ दे दी फिर उसके बाद इद्दत हुई इद्दत हुई इद्दत हुई, हुई, हुई अपने आप मुफारकत हो जाएगी तो ये तीन तलाक़ वाली सूरत नहीं है तो कहा कि अब इसके बाद फिर बात आगे बढ़ाएगी दरमियान में खुला का मसला ज़िक्र किया और उसके बाद में फिर से तलाक़ वाला मसला आया कहा कि फ़ इन तल्ल कहा फ़ला तहुल में बैद वह तन के हजऊ जन गय पहली दो तलाक़ों के बाद अब अगर तीसरी तलाक भी दे दे तो अब तीन तलाक इसने दे दी तो कहा कि अब उसके लिए वो औरत हलाल नहीं हो सकती है जब तक कि किसी और शख़्स से निकाह न कर ले यानी अब तीन तलाक दे दिया फिर उसके बाद वापस आया वापस बीवी के साथ में ज़िंदगी गुजार रहा है हराम तीन तलाक दे दिया फिर दोनों अलग हो गए कुछ साल चले गए फिर वापस से निकाह कर रहे हैं हराम जायज़ नहीं है तीन तलाक देने के बाद यानी तलाक दिया फिर पाक हुई फिर तलाक दिया फिर पाक हुई फिर तलाक़ दिया इस तरह से तीन पाकी की हालतों में औरत को तीन अलग अलग तलाक दिए उसने इसके बाद दोबारा वो उसके साथ नहीं रह सकता जब तक कि उस औरत का किसी और शख़्स से निकाह होकर फिर वापस से तलाक ना हो जाए या खुला ना हो जाए किसी और के निकाह से निकले बगैर वो फिर से पहले शौहर के निकाह में नहीं आ सकती है वरना लोग इसको खेल बना लेंगे तलाक़ दिया फिर निकाह कर लिया तलाक दिया फिर निकाह कर लिया कहा कि फ़ा तल्ला फ़ला तुम बन की हजऊ जन अब ये जो फ़ा तल दूसरी में तबाह रहा है वो दूसरे शोहर की बात हो रही है फ़ा तल्ला फ़ला जुनाद फिर अगर वो दूसरा शोहर इसको तलाक़ दे दे तो अब इन दोनों के लिए कोई गुनाह नहीं कि वापस से निकाह कर लें यानी पहला शौहर और बीवी अगर दूसरी मरतबा दूसरे शोहर से तलाक या खुला हो गया तो अब गुंजाइश इस बात की निकलती है अगर दोनों को इस बात का एहसास है कि अब अल्लाह की हदों को कायम रख पाएंगे निकाह करके बेदीनी में नहीं जाएंगे फिर से वही खुराफात और फिर से वही हराम बातें हराम हरकतें झगड़े फसाद और मार, पीट और ये सारी चीज़ें अब नहीं होंगी अब ठीक से जिएंगे अगर इस बात का इम्कान है तो दूसरे शोर से तलाक़ या खुला होने के बाद यह औरत वापस से पहले शौर के निकाह में जा सकती है दोनों निकाह कर सकते हैं वतील का हदूदल युब लौम आलमोन अल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह की हदें हैं जिन्हें अल्लाह तुम्हारे लिए बयान कर रहा है इसलिए ल कौम ऐसे लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला इनको वाजे कर रहा है जो इल्म रखते हैं ये सूरत-ul-बकरा की आयत नंबर दो सौ उनतीस और दो सौ तीस है जो तो इस आयत से इन दो आयतों से मालूम होता है कि तलाक का ये हुक्म है कि अगर तीन तलाक अलग अलग मज़लिसों में किसी ने दिए हैं तीन तोहर की हालतों में दिए हैं तो अब वापस से वो साथ में नहीं रह सकते हैं जब तक कि उस औरत का किसी और से निकाह होकर तलाक ना हो जाए तो ये इस आयत में बयान हुआ है मज़ीद दरमियान में ये हुआ है कि अगर दोनों को डर हो कि अल्लाह की हदें बाकी नहीं रख सकते निभाव नहीं हो सकता है दीन पर रहते हुए निकाह में भी नहीं रह सकते दोनों जमा नहीं हो पा रहा है तो ऐसी सूरत में क्या करें औरत के लिए इस बात की गुंजाइश है कि वो खुला ले लें और शोहर के लिए भी इसमें कोई गुना नहीं कि वो महर अपना वापस लेकर उसे खुला दे दे इमाम शौकानी रमत फ़रमाते हैं यहाँ पर जो कहा गया कि दोनों पर कोई गुना नहीं तो कहा गया कि लाजुना रजुली फिलहि व في फ़िल मर्द पर कोई गुनाह नहीं कि अपना महर वापस ले, औरत पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपना जो भी महर उसका था ली थी शौहर से उस महर को वापस लौटा कर अपने आप को आज़ाद करें बेअन तफ़ तदीन अफसहा मंदाल निकाह फिदिया देकर अपने आप को निकाह से आज़ाद कर ले बेबदली शहीन अलमाली एरद ब जऊज ऐसा माल खर्च करके जिससे शोहर राज़ी हो जाए फ़योतल कह अजली वहादा हुल खुल कहते हैं कि वो फिर अपनी बीवी को छोड़ दें अपना महर वापस लेकर और कहते हैं कि वहादा हुल

कहते हैं कि वापस ले लें कहते हैं कि वह हुआ लदी सरबी क्रन कुरान में बिल्कुल सराहत के साथ ये बात आई है कि इसमें कोई हरज नहीं है फतुल कदीर में इमाम शौकानी ने बात कही है खुला की इद्दत कितनी है यानी एक औरत का अगर खुला होता है तो कितने वक्त तक वह रुकी रह सकती है अगले निकाह से रुबै बिन तमविदिबिन अफ़रा कहती हैं अनना सबितब्न क़ैसिन अन्ना, अन्ना इबन इबन साबित अबन क़ैसी इबन, इबन शम्मासिन बार बमरात हो फ़सरादाहबि इब्न इब्न शमास ने अपनी बीवी की खूब पिटाई कर दी इतनी कि उनका हाथ टूट गया बीवी का हाथ टूट गया वही अः जमील तो बिन तो आब्दिल्लाबन उबई और उनकी बीवी का नाम जमीला बिन तब्दिल्लाबन उबई है

कहा कि जो तुमने मेहर दिया था वापस ले लो और उनका रास्ता छोड़ दो व खली सबीला यानी उन्हें अपने निकाह के बंधन से आज़ाद कर दो कला नाम शोहर ने कहा ठीक है व अमर हा रसूल सल्लाबा हई वतन व तबी आलहा तो अल्लाह के रसूल सल्लाम ने हज़रत जमीला को जो साबित इब्ने कैस की बीवी थीं उनसे कहा कि वो एक हैज़ इंतज़ार करें उसकी इद्दत कितनी है एक हैज़ और फिर अपने घर वालों के साथ जुड़ जाएं। इस हदीस को इमाम ने रिवायत किया है और हदीस नंबर तीन हज़ार चार सौ सत्तानवे है एक और रिवायत है इब्ने अब्बास ताला नुमा से कहते अननामर ताबितबन क़़ैसिन इख्तल साबित होन कैस रदी अल्लाह त बीवी ने उनसे खुला लिया फ़जाआल नबील वल्लम इ्दत है वतान तो अल्ला के नबी सल्लाम ने उनकी इद्दत एक हैज़ करार दी इस हदीस को इमाम अबू दाऊद और तिल मिदी ने रिवायत किया है सुना नबी दाऊद हदीस नंबर दो हज़ार दो सौ उनतीस और हदीस सही है इस मसले में इत्लाफ है कि बाज़ालमा का कहना है कि खुला ये तलाक़ ही की कस्म है इसलिए इसकी भी इद्दत वैसी होगी जैसे तलाक़ की जो तीन हैज़ उसकी इद्दत होती है तो एक तबका वमा का इस तरफ़ गया है कि खुला तलाक़ ही की कस्म है और उन्होंने उस लफ से दलील ली जिसमें अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने कहा कि वह तली कहा तथली अपनी बीवी को तलाक़ दे दो एकदम तलाक तो उन्होंने तलाक़ को शर् तलाक़ के माने में लेते हुए इसको तलाक़ ही में शुमार किया और उसकी इद्दत तीन हैज़ बताई लेकिन बाज़ल ने यह कहा कि नहीं हदीस में इस बात की सराहत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसकी है इसकी यानी आपने बताया कि इसकी इद्दत कितनी है साहबी कहते हैं कि एक हैज़ उसकी इद्दत करार दी है तो इससे मालूम होता है कि ये तलाक़ नहीं है बल्कि इसको फस कहते हैं अरबी ज़ुबान में इसके लिए जो लफ्ज़ बना हुआ है वह है फस तो है फस्क जिसको कहते हैं कि काज़ी निकाह को ख़त्म कर देता है नलिफाय करता है बिल्कुल उसको ख़त्म कर देता है तो ये काज़ी के ख़त्म हो करने से निकाह ख़त्म होता है यानी शोर को बोलते हैं आप छोड़ दो उसको तो यहाँ पर जो तल्लेआ तफरीका है तो इसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ अल्फा आए हैं व खल सबीला रास्ता छोड़ दो यानी उन्हें आज़ाद कर दो या इसी तरह से हमने पिछली हदीस में देखा जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अलग होने के लिए कहा था जैसे आपने यहाँ कहा कि खुद हा व फार तुम उसको ले लो और उन्हें छोड़ दो तो यहाँ पर यह तथली का जो लफ्ज़ है तलाक़ देने का लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान में ख़ुद तलाक़ का माना अतलका जो अरबी ज़ुबान में आता है या तल जो आता है ये छोड़ने के लिए आता है तो यहाँ मुराद ये था ले लो और उन्हें छोड़ दो तो ये तलाक़ नहीं था बल्कि ये खुला मुस्तकिल एक हुक्म है तलाक़ की तरह है, लेकिन तलाक नहीं है इसलिए इसकी इद्दत तीन हैज़ नहीं बल्कि एक हैज है तो अगर एक औरत को एक औरत शोहर से अगर खुला लेती है तो एक हैज़ तक वो इद्दत में रहेगी और उसके बाद वो उसके निकाह से आज़ाद हो जाएगी उसके बाद वो दूसरा निकाह कर सकती है वली की इजाज़त से गवाहों के साथ में और महर वग़ैरह जो शुरु उसकी है निकाह की उनको पूरा करते हुए यानी कि ख़ुद जाके अपना निकाह कर लेगी बल्कि वली की इजाज़त के साथ वो निकाह करेगी चाहे कुमारी बच्चियाँ हों या फिर कोई मुतल़ा बेवा हो या मुख्तल जिसको कहते हैं खुला लेने वाली औरत हो इन सब के लिए ज़रूरी है कि वो वली की इजाज़त से निका करें तो इन इन बातों से सारी चीज़ें हमारे सामने आईं तो मसला ये वाज हो गया कि बिला उज़ुर के खुला लेना जायज़ नहीं और बहुत सख्त बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के बारे में कही है लेकिन ये भी बात अपनी जगह है कि अगर कोई सबील जोड़ की और निकाह को बरकरार रखने की ना हो इस दवाज़ी ज़िंदगी ठीक से हो ही नहीं पाती हो और औरत के लिए जान माल का ख़तरा है इज़्ज़त का ख़तरा है ऐसी सूरत में उसके लिए जायज़ है कि वो खुला ले लेकिन इसको भी जल्दबाज़ी में नहीं करना चाहिए पूरा वक्त सोचने के लिए लेना चाहिए उसके बाद में वो अपने घर वालों के साथ में मशवरा करके ऐसा फ़ैसला ले सकती है तो ये हमने खुला के बारे में देखा आइए आगे बढ़ते हैं एक और हदीस जो हमारे सामने है उसको भी हम देख लेते हैं यह हदीस नंबर इकतीस है अब एक नया मौजू हम शुरू कर रहे हैं इसमें यानी ख़ातिन से मतलब एक और चीज़ कि अपने हसन को गैर शरी तरीक़े से बढ़ाना इस ताल्लुक़ से रिवायत क्या है अन-अल्कमता अनअल्कमत राह अलकमत हैं कहते हैं जाअ इमरा तुम मम बनीदिनबन मसूदिन रदी अल्लाह बनी असद कबीले की एक औरत अब्दल्लाबन मसूद रदी अल्लाह तई ये बहुत बड़े साहबी हैं और शुरू के बहुत कम छः सात लोगों में से ये थे मुसलमान होने में बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर इतना आना जाना उनका था कि लोग समझते थे कि आपके घर वाले ही हैं आपके खानदान में से हैं औरत उनके पास आई फ़कालत इन नकुलवा शिमा तम मुस्तविमा वन नामिसमतमसा मेरे सुनने में बात आई है कि आप वाशिमा और मुस्तौशिमा नामिसा और मुतमिसा पर लानत करते हो यानी आप कहते हो ये सारी औरतें लानत जदा हैं चार औरतें वाशिमा मुस्तौशिमा नामिसा मुतनमसा वह औरत जो वशम कहते हैं टैटूइंग को जो गोदना जिसको कहते हैं कि वो एक मशीन गिर होती रहती है और उससे जल्द के ऊपर उससे लकीरें बनाते हैं डिज़ाइन बनाते हैं और फिर उसमें यानी पिछले ज़माने में जो है उसमें सुरमा वग़ैरह डाला जाता था और उसको गुदवाते थे तो सुरमा उसमें बैठ के काला हो जाता था कभी कुछ और चीज़ भी डालते थे आजकल बहुत सारे कलर्स वग़ैरह भी डालते हैं उसमें नील वग़ैरह डालते हैं और फिर उसमें वो बैठ जाता है हरे रंग का होता है सुर्ख रंग का होता है काले रंग का होता है और जिसम पर मुस्तकिल वो डिज़ाइन बन जाती है फिर वह नहाने धोने से और साबुन से भी निकलता नहीं है वो बस जल्द का हिस्सा हो जाता है जल्द के अंदर वो होता है उसको टैटू बोलते हैं तो आपने फ़रमाया लो इनअलवाशि तु वमस्तोशिमा कि जो अपने लिए गुदवाएँ या कोई औरत जो इस काम को अंजाम देती हो इन दोनों पर अल्लाह की लानत, जो ख़ुद अपने लिए करवाएं उस पर भी लानत, और जो प्रोफेशनल ये काम करती हो उस पर भी अल्लाह की लानच्स व नाम सतोलमतमस और वो जो अपने चेहरे के बाल उखड़वाती हो अपने चेहरे से बाल साफ करती हो जैसे भवें वग़ैरह हैं उसको शेव करती हो या इस तरह से चेहरे पर बाल जो हैं उसको बिल्कुल निकलवाती हो और जो इस काम को अंजाम देती है उस पर भी लानत नाम काम करने वाली और मुतनमिसा करवाने वाली है। इन दोनों पर जो है अल्लाह की लानत वकद क़रा तुम बइन अल्लुआनी फ़मा वजू मा तक कहा कि आप ये जो कहते हो आप से बात पहुँची मुझे कि आप इन दोनों पर लानत करते हो बल्कि चारों औरतों पर ये दो काम करने वाली चारों औरतों पर काम करने वाली और करवाने वाली इन पर कहते हो कि लानत हुई है लेकिन मैंने कुरान शुरू से आखिर तक पूरा पढ़ डाला पहले सफ़े से आखिरी तक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कवर टू कवर मैंने पढ़ दिया उसको फमा वजुमा तकुल आप ये जो कहते हो कि इन पर लानत है मुझे कुरान में तो कहीं नहीं मिला मुझे कुरान में कहीं मिला नहीं देखिए ये वही ज़हनीत है जो आज भी बहुत सारे लोगों की है कहते हैं हमको कुरान में ये नहीं मिला म्यूज़िक हराम है कुरान में नहीं मिला हमको या दाढ़ी काटना हमको हराम है मना है गुनाह है कुरान में तो नहीं है क़ुरान में नहीं है तो बहुत सारे लोग जब उनको अपनी ख्वाहिश पूरी करनी होती है तो वो क्या कहते हैं कुरान में नहीं है इसलिए हम इसको नहीं मानते गोया कि जितना कुरान में सब मानते हैं ऐसे लोगों को चाहिए ठीक है भाई कुरान में है तो तुम सब करो जो है वो कहाँ करते हैं लेकिन फरार इख्तियार करने के लिए अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बास चीज़ें जो हदीस में हैं कहते हैं कि कुरान में नहीं हैं इसलिए हम इस पर अमल नहीं करेंगे या इससे नहीं बचेंगे बेवजह ख़ाम खा की पाबंदी क्यों लें अगर गलत होता तो क़ुरान में होता तो उस औरत ने भी यही कहा कि कहा कि वक्त करा तुम बिन लौनी फ़मा वजद तुम तकुल मैंने लौहैन में कुरान में इस कवर से लेके उस कवर तक दोनों लौह के दरमियान जितना कुरान है दोनों कवर्स के दरमियान जितना भी क़ुरान लिखा हुआ है पढ़ लिया लेकिन आप जो कहते हो मुझे कहीं नहीं मिला अब्दुल्ला ने मसूद रदी अल्लाह ने क्या कहाज थी वाला किन् तमीन कहा कि नहीं तुमको मिला तो हैं लेकिन अभी अभी तुम्हें उसका शाऊर नहीं कि तुमको वो मिला एक होता है इंसान का जानना दलील को एक होता है उसका जानना कि दलील का मतलब क्या है उस दलील का मतलब जानना ये बड़ी चीज़ होती है वरना बहुत सारे लोग कुरान पढ़ जाते हैं और तर्जमे से भी पढ़ जाते हैं लेकिन उनको समझता नहीं कि इस आयत से क्या निकलता है इस आयत से क्या बात सामने आती है तो इसी तरह से इब्ने मसूद ने कहा तुमने आयत पढ़ी तो है लेकिन अभी तुमको उसका इल्म नहीं है कि उसमें क्या है कालत व आई ना हो उसने कहाँ हैं कुरान में बात कहाँ है काला अम ख़र व अमा आता कुमर रसूल फुदो अमा नहा कुमान हु फंता हो क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा जो कुछ रसूल तुम्हें दें उसे ले लो और जिससे रोक दें उससे रुक जाओ कालत बाला कहाँ काला, का काला हुआ दाक कहाँ फिर यही तो बात है यही तो बात है यानी ये जो मैं कह रहा हूँ कि लानत है ऐसे लोगों पर हमारे नबी ने लानत की है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी चीज़ पर लानत करना उसके बुरा होने को बताता है और इतना बुरा कि उस पर लानत की जा रही है तो जिस चीज़ पर लानत की जाए वह हराम होती है तो नबी ने जब लानत की है तो वह हराम है आपने गोया के मना कर दिया है लानत करके साहब बता दिया कि ये नहीं करना है तो कुरान में तो अल्लाह ने बता दिया ना कि जिससे रसूल रोक रोकने रुक जाओ तो रसूल ने तो रोका है ना तो कुरान में तो है वो तफसीलन नहीं है लेकिन इजमालन तो है देखिए दो चीजें होती हैं एक होता है तफसीलन और एक होता है इजमालन कोई चीज़ भी तफसील होगी कि ये हराम है नाम लेकर जैसे शराब के बारे में आया लेकिन कोई चीज़ होती है जो तफसीला नहीं होती है नाम लेके नहीं होती है कोई क़ायदा बयान कर दिया जाता है जिसमें वो चीज़ भी आ जाती है जैसे यहाँ पर बताया कि जिससे रसूल रोक दे रुक जाओ अब सहर हर हर चीज़ का नाम लेके नहीं बताया गया कि किस किस से रुकना है बस उस मामले को रसूल के हवाले कर दिया गया अब अगर रसूल किसी चीज़ से मना कर दे, तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि कुरान में थोड़ी ना है ये जैसे कोई बादशाह फ़ौज भेजें और फ़ौज पर एक सिपालार मुकर कर दे या कोई उनके ऊपर कोई हाकिम मुकरर करे उन पर कोई अमीर बनाए उनके ऊपर कोई आलिम को मुकर करे और कहें ये जो हैं वो करना बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला अब अगर सफ़र में वो लोग चले गए उनके लीडर ने उनके अमीर ने उनके ऊपर जो सरपरस्त है उसने कहा एक काम करो सब मिल के यहाँ पर फलां जगह ख़ैमे बनाओ और तुम लोग खाना बनाओ और तुम लोग लकड़ियाँ जमा करो और तुम लोग फलां चीज़ घोड़ों को संभालो अब वो लोग कहेंगे बादशाह ने हमको ये सब करने के लिए नहीं कहा है बादशाह ने हमको ये सब करने के लिए नहीं कहा है तो सवा यहाँ पर यही होगा यह सवाल यही है कि फिर क्या कहा उसने क्या उसने ये नहीं कहा कि मेरी बात मानो हाँ तो फिर मैं जो कहूँ तुमको मानना पड़ेगा चाहे वो जुमला बादशाह का ना हो चाहे नाम लेकर बादशाह ने ना कहा हो कि तुम खाना बनाओ लकड़ियाँ जमा करो घोड़ों की खबरदारी करो खबरगिरी करो और ख़ैमे बनाओ उसने नहीं कहा ये उसने सिर्फ़ एक जुमला कहा इनकी बात मानो इनका हुक्म मानो अब मैं जो हुक्म दूंगा ज़रूरी नहीं कि बादशाह की ज़ुबान से भी वो निकलना चाहिए ये कॉमन सेंस वाले को भी समझ में आता है मोटी अकल वाले को भी लेकिन बहुत सारे लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं ये बात नहीं समझ पाते हैं कहते हैं कुरान में नहीं है ये क़ुरान में नहीं है तो अब्दुल्लाब ने मसूद रदी अल्लाह कहा कि कुरान में वो है लेकिन तुमको अभी तक मिला नहीं तुमको अभी तक समझा नहीं कि अल्लाह ताला ने नहीं, नहीं कहा जो कुछ रसूल दें उसे ले लो और जिससे रोकने रुक जाओ जब आपके बारे में कहा गया है कि जिससे रसूल रोकने रुक जाओ तो बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ़ इन दोनों चीज़ों से रोका है बल्कि लानत की है जो रोकने की ज़्यादा शदीद चीज़ है जैसे घर के अंदर कोई बच्चा है वो कोई चीज़ को बार बार हाथ लगा रहा छुरी को हाथ लगा रहा छुरी ले रहा खेल रहा उससे अब मां बोली बेटा छुरी से नहीं खेलते सुनता नहीं वो बच्चा खेल रहा ही खेल रहा खेल रहा खेल रहा और बाप गुस्से में आ जाए और डांट के कहे छुरी से खेलता है अब वो बच्चा बोले तो सवाल पूछे ना खाली मना किधर की है वो बच्चा नादान है क्यों इसलिए कि बाप गुस्से में आके जब ऐसा बोला है का मतलब ये कि मना अपने आप है वो बल्कि माँ तो प्यार से बोल रही थी बाप ने डांटा है उसके ऊपर डांटना कम मना है नहीं माँ तो मना कर रही बाप मना नहीं कर रहा बाप इंटरव्यू ले रहा है सवाल पूछ रहा है कि छुरी से खेलता है तो तो सवाल है और वो आगे कह के हाँ अब बाजान मैं छुरी से खेलता हूँ तो ये बेवकूफ़ी है नादान बच्चा है वही नादानी बहुत सारे लोग करते हैं नबी अलैहि वसल्लम अगर ग़ुस्से में आकर किसी किसी चीज़ पर लानत करते हैं, तो लानत करना मना करने से भी बड़ा है क्योंकि मना प्यार से भी किया जाता है डांट के मना करना और भी बुरा है। और लानत कर देना बदुवा करना जायज़ चीज़ पर बदुवा करेंगे या हराम चीज़ पर बदुवा हो रही है और वह हराम की कितनी बुरी चीज़ है कि उस पर बदवा भी हो रही है सिर्फ़ मना नहीं किया जा रहा है तो सहाबी ने समझा कि ये मना है क्योंकि लानत इस पर है लानत करना अपने आप मना को इंक्लूड कर लेता है तो उनको समझा उस औरत को नहीं समझा बाद सिर्फ कुरान पढ़ने वालों को नहीं समझता हाँ हदीस भी सामने होनी चाहिए और कुरान का गहरा फहम होना चाहिए ख़ाली अल्फाज के मानी जान लेने से कुरान का फहम नहीं आता है क़ुरान की तफसीर उसके सामने होना चाहिए ख़ैर कहा कि जब कहा कि बस वही तो है कुरान में उसने अब बाज़ात ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को बहस में चित कर देते हैं तो आपको पर्सनल अटैक करने लगता है उस औरत ने फ़ौर क्या कहा इन्नी माँ इन्लाबाद उस औरत ने फ़ौर कह दिया मुझको तो रोक रहे हैं आप लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि आपके घर वाले भी ऐसे करते होंगे आपकी बीवियाँ आपके घर में बच्चियाँ खातानी आपकी तुम्हारी बीवियाँ ऐसा करती होंगी क्योंकि एक चीज़ फ़ैशन जब सारे गांव में होता है तो अंदाज़ा लोगों का ही होता है कि सभी करते होंगे ऐसा कहा कि मुझसे तो मना कर रहे मुझको तो मना कर रहे हैं आप इससे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बीवियाँ ये करती होंगी उन्होंने कहा फद खोली फन वोरी जाओ अंदर जाओ मेरे घर में जाओ बीवियों से मिलो देखो करती हैं कि नहीं करते फ़द खली फम जाओ मेरे घर में जाओ और जाके देख लो फलत फना वारत गई वो घर में जाके देखा उसकी भी डेरिंग सुनिए देखिए जा के कोशिश आखिरी हद तक कर लेंगे छोड़ेंगे थोड़ी ना गई वो औरत आवरत अंदर औरतों को देखा सा बेचारी औरतें घर में बैठी हुई है। हैं देखी कि ये लोग नहीं कर रहे ऐसा फलम ताराशही अन्न जो ढूंढने गई थी जो ऐब उनमें तलाश करने गई थी वो ऐब उनमें नहीं था न वो अपने भवे शेप करते थे और न वो टैटू करते थे ज़ीनत के लिए खूबसूरती के लिए तो क़ाल अब्दुल्ल जब वो बाहर आई अब्दुल्ला ने मसूद रदी अल्लाह तुछा हल राय तिशअन मिला कि तुझको जो ढूंढने गई थी देखा तुमने कुछ क़ालत लबली नहीं मिला खाल अबल्ला अमा इन لو की شيئا من ذلك ما अमिन ما का ما साहिबनी ما साहिबनी कहा कि अगर तुम ये चीज़ देखती यानी ये बुराई उनमें अगर होती माँ साहिब ननी वो मेरे साथ नहीं रहती मैं उनके साथ रहता ही नहीं विदा कर देता शरीयत की मुखालफत करती अगर तो मैं उनके साथ ज़िंदगी बसर नहीं करता इस हदीस को इमाम अल-बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है सही बुखारी हदीस नंबर चार हज़ार आठ सौ छियासी मुस्लिम हदीस नंबर दो हज़ार एक सौ पच्चीस और ये जो रिवायत मैंने ज़िक्र की इसके अल्फाज इब्न हिब्बान के हैं तो इस रिवायत से बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने ख़ातन को ऐसी जीनत से मना किया है जो शरीत में जायज़ नहीं है टैटूइंग करना आजकल तो भवें शेप करना एक आम तरीक़ा बन गया है भवें शेप करना आम तरीक़ा बन गया है एकदम बिल्कुल हाँ तीर कमान की तरह भवें हो जाए ताकि ख़ूबसूरत एकदम बैलेंस होना चाहिए सिमेट्री होना चाहिए और एकदम बारीक भवें होनी चाहिए ताकि एकदम देखने में खूबसूरत दिखाई दे ये सही नहीं है ये जायज़ नहीं है क्या जुल्म है जुल्म नहीं है मना किया है इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि इसमें जब मना किया है बस हमको बचना चाहिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं अब मर्द भी शिकायत करें देखो औरतें सोने के जेवरात पहन रही हैं रेशम पहन रही हैं हमको मना कर दिया मर्द शिकायत नहीं क्योंकि मर्दों को भी तो बहुत कुछ मना है मर्दों को भी बहुत कुछ मना है वो सोना नहीं पहन सकते शादी में भी नहीं अंगूठी भी नहीं ससुराल वालों से बेगैरती के साथ में नहीं तो मर्दों को कुछ मना है औरतों को कुछ मना है तो औरतों को चाहिए कि इसका लिहाज रखिए इम्तहान है उनका ये मर्दों का इम्तहान है वो औरतों का इम्तहान है अल्लाह ताली ने इंसान को मुसलमान को बहुत सारी चीज़ों का मकल्फ़ किया है और कभी कभी जी चाहता है वो करने को लेकिन फिर भी वो मना है क्यों इम्तहान है अल्लाह ताला ने जन्नत में देखी इतने सारे पेड़ रखे इतने सारे फल सब कुछ और एक पेड़ वहाँ रखा कहा वाला هذه शरा इस एक पेड़ के करीब मत जाना फ़तकू नामिनमीन वरना तुम ालिमों में से हो जाओगे ये इम्तहान है उसी तरह से जिस तरह से जन्नत में मामला था कि अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें हलाल की, लेकिन कुछ चीज़ें हराम कर दी कहीं कुरान में कहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी अब हमें चाहे कि इतनी कशिश उसकी तरफ़ क्यों ना हो हमें चाहिए कि हम उससे बचें हमें उससे बचना चाहिए और एक बार अगर आदमी औरत आदमी तो नहीं करता बेचारा औरतें अगर एक बार ये करना शुरू कर दें तो ज़िंदगी भर का लाइफ टाइम उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है परेशान हो गई वो औरतें जो ब्यूटी पार्लर की आदि थीं बराबर हफ्ते में महीने में जाती थीं लॉकडाउन जैसा आया सब बंद अब क्योंकि एक बार यानी दाढ़ी का भी इसी मामला है दाढ़ी आदमी मूड दे अब ज़्यादा बढ़ती है जिन लोगों को दाढ़ी शुरू से आई हो और वो नहीं काटते आप देखें उनकी छोटी छोटी हल्की हल्की दाढ़ी होती है लेकिन जिन्होंने दाढ़ी काटी हो उनकी दाढ़ी घनी दाढ़ी आती उनको आम तौर से ऐसा होता है किसी की शुरू में भी घनी आ सकती है लेकिन जो लोग दाढ़ी काटते हैं अब वो कंट्रोल नहीं कर पाते अब मुस्तकिल दाढ़ी बढ़ने शुरू होती है इसी तरह से जो औरतें चेहरे के बाल साफ करती हैं अब वो छोड़ नहीं सकती हैं अब वो बंधन में आ गई बड़ा मुश्किल हो जाता है तो घबराहट उन औरतों को हो गई टेंशन उन लोगों को हो गया जो लोग लॉकडाउन में आप कहीं जा नहीं सकते थे और ख़ुद को भी आता नहीं था क्या करना तो ये मसाइल हैं ज़िंदगी के एक चीज़ के आदि जब हो जाते हैं अब फंस जाते तो सीधा साधा रहना कंगी चोटी औरत करे ठीक है साबुन से मुँह धोए अच्छी तरह से और थोड़ा मोड़ा कुछ लगा दिया मुँह पर खूबसूरती के लिए घर की हद हाँ तक की कुछ यानी खुशबू भी है हल्की जो दबी रहती है जो बाहर नहीं जा सकती है तो ऐसी खुशबू लगा ली ठीक है गुंजाइश है कंगी चोटी रह के करके साफ़ सुथरी रहे जो भी ना रहे कि शोहर आए तो देख के उसका भी मुँहदास हो जाए बाज औरतें घर में काम काज में ऐसी रहती हैं कि ये काम वो काम सफ़ाई कपड़े धोना बर्तन धोना और ये और शोहर घर पे आए तो ऐसे हाल में कि बाल इधर से उधर कर लिए तो पूरा कालिक पेशानी पे लगी हुई है और नाक गुजारी तो नाक पे पूरे बर्तन जो है उसकी गंदगी लगी हुई है ये नहीं होना चाहिए बीवी को चाहिए कि शोहर के सामने रगबत पैदा हो ऐसी रहे ताकि शोहर की निगाहों की हिफाजत हो शोहर की निगाहों की हिफाजत हो उसका दिल घर से जुड़ा रहे घर से बाहर लपके नहीं खिड़कियों से तो औरत को समझना चाहिए ज़रूरी नहीं कि औरत खूबसूरत हो देखिए औरत अगर खुश मिजाज हो तो ये खूबसूरती से बढ़ के अगर खुश मिजाज हो साफ सुथरी रहती हो और कंगी चोटी करके रहती हो शोहर के आने से पहले रेडी हो जाए बस ये चीज़ भी काफ़ी है ज़रूरी नहीं बहुत ख़ूबसूरत होना खूबसूरत होना ये बहुत बड़ी चीज़ है इंसान के दिल में मोहब्बत सूरत से नहीं सीरत से पैदा होती है अगर सूरत बहुत अच्छी बद अखलाक़ है बदतमीज़ी करती है शोहर को बदसूरत दिखती हो लेकिन अगर रंग उसका सांवला है लेकिन अख्लाक से बात करने वाली है हमदर्दी उसके अंदर है नरमी उसके अंदर है तो अगर थोड़ी बहुत रंग में भी कम हो नाक नक्शा भी इतना ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त ना हो तब भी वो औरत तब भी वो बच्चियाँ जो निकाह करके जाती हैं वो शोहर का दिल जीत लेती हैं तो ये बात याद रखना चाहिए ये सारे जो आज तौर तरीके निकले लोगों को कमाना है आपको बेवकूफ़ बना के कमा लेते हो उनको कमाना है और आपको ज़बरदस्ती की खूबसूरत बल्कि औरत जो बहुत ज़्यादा मेकअप करें और बगैर मेकअप के शौर उसको देख ले तो घबरा जाए बात मेकअप की इतनी आदि होती हैं औरतें कि बग़ैर मेकअप के वो जी नहीं सकती हैं उनकी शख्सियत ही दूसरी होती है मेकअप के नीचे अपनी शख्सियत क्या ज़रूरत है आपको करने की है क्यों ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है ये एहसास कमतरी का नतीजा है कि अपने आप को इंसान छुपाए क्यों आप जो हैं वो हैं आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए मैं ऐसी हूँ बस ख़त्म हाँ ठीक है साफ़ सुथरी रहूँगी कंगी चोटी करके रहूँगी ठीक ठाक रहूँगी अच्छे से अच्छे कपड़े पहनिए क्या मसला है लेकिन अपने आप से आप क्यों भाग रहे हैं अपने को क्यों छुपाना चाहते आप अपना अपना एतमाद बाकी रखें अपने एहसास कमतरी में मुबला ना हो अपने अपनी कप, अपनी सलाहियतों को बढ़ाइए बात करने की सलाहियत लोगों से मिलने जुलने की सलाहियत खाना पकाने की सलाहियत और इसी तरह से घर का ख्याल रखने की सलाहियत शोहर से बच्चों से डील करने की सलाहियत रिश्तेदारों से अपने ताल्लक़ात को बनाने की सलाहियत आप इन चीज़ों को बनाइए ये बुढ़ापे में भी काम आएगा ख़ूबसूरती नहीं बुढ़ापा चालीस आ गया तो सीधा शुरू हो जाता ढलान अब क्या करेंगे अब उस उम्र में मेकअप करेंगे तो और भयानक दिखेंगे उस उम्र में मेकअप करेंगे और भयानक दिखेंगे और लोग हंसेंगे उस उम्र में क्या काम आएगा आपकी शख्सियत बाकी रहेगी इंसान की शख्सियत बड़ी चीज़ है बाजा बच्चियों को इस तरह से माएँ भी ज़बरदस्ती करवा देती हैं नहीं करना जैसी है वैसी रहना सादा सीधा मासूम बच्चियाँ हैं अखलाक वाली हैं वैसी रहना हो बहुत ज़्यादा उनको बना के एकदम ऐसी नहीं बनाना जैसे फिल्म स्टार कोई है घिन हो जाती है देख के लाज अव लड़के देखने आते दीनदार और बच्ची भी दीनदार हैं माएँ और उनकी बहनें और उनके ख़ानदान वाले जो दीनदार नहीं होते ऐसे वक्त में हाईजैक कर लेते उस इवेंट को लड़का देखने आ रहा अब उसको ऐसा बना देते कि लड़का देख के उसको घबराहट होती कि लड़की दीनदार है नहीं होना ऐसा बल्कि क्या हो सीधा साधा ठीक ठाक जैसा भी होना चाहिए जीनत अपनी जगह एक शरी हदूद के अंदर हो तो ये सारी जितनी ब्यूटी पार्लर वाले मामलात हैं ठीक है हर चीज़ उसमें हराम नहीं है लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें हराम होती हैं बाल बना रहे गिलेरी की तरह काले सफ़ेद काले सफ़ेद काले सफ़ेद इस तरह से क्या है ये ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है और अपने आप को ऐसा ना बनाएं कि यानी दूसरी जो औरतें होती हैं उनकी मुशाबहत इख्तियार न करें बल्कि जो नए ख़वात हैं, वैसा बने लिबास के अतबार से और इसी तरह से पर्दे के मामले में बातचीत के मामले में चलने फिरने में जेवरात में इस सारी चीज़ों में शरीयत का लिहाज रखना ज़रूरी है ऐसा जेवर भी नहीं हो जो आप चलें तो सारे गाँव को मालूम पड़े इतना बचता हो ऐसा जेवर नहीं होना चाहिए ज़ेवरात भी पहने मना नहीं है जीनत इख्तियार करें मना नहीं अच्छा लिबास पहने मना नहीं है महंगे से महंगा पहने है, क्या मना है शोर की कैपेसिटी है तो कीजिए मना नहीं है लेकिन बेपर्दगी नहीं उस लिबास को दिखाने के लिए बग़ैर पर्दे के आ रहे हैं बात नहीं तो ये ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है मुसलमान औरत उसकी सीरत उसकी शख्सियत होती है उसकी जीत होती है मुसलमान औरत की जीनत उसकी शख्सियत होती है वो इतनी अच्छी उम्दा शख्सियत वाली होती है कि अब उसको ज़ीत की इतनी ज़रूरत भी नहीं रहती क्योंकि जीनत किस लिए है दूसरों को अपनी तरफ मुताज़र करने के लिए लोगों में समाज में ऊँचा मकाम पाने के लिए और दिल भी अच्छा लगता हो अच्छे अच्छे दिख रहे हम अच्छे दिख रहे वो असल नहीं है अच्छे हैं ही असल है अंदर से अच्छे रहना बाहर से ठीक ठाक ओके कोई मसला नहीं अंदर से ज़्यादा अच्छे रहना तो अपनी सूरत से ज़्यादा अपनी सीरत का ख्याल रखें ये बहुत ज़रूरी है अल्लाह ताला हम सबको समझता फरमाएँ और पर्दे के लिहाज के साथ साथ शरीयत के अहकाम की पाबंदी की भी तोफ़ीदा फरमायें अकुलद वहीकम